भावना सोसाइटी के प्रांगण में जहाँ पे ऑर्फेन बच्चों को केयर किया जाता है, तो आइए और भाव को आज सम्मानित कर रहा है सिलीगुड़ी साइन फ्यूचर एकेडमी के माध्यम से उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को हम अपने कैमरे के सौजन्य और चीज़ों को स्पष्ट समझेंगे। आप सबका दिन शुभ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलगार्ड रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो दादा बताइए कि आप लोग कितने वर्षों से ये ऑर्फेन सोसाइटी को चला रहे हैं? अभी करीबन 14 साल हो गया। और कितने बच्चे हैं आपके इस? एट प्रेजेंट हमारे पास 15 बच्चे हैं जी जी, और इसमें दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं। एक बार सर मुझे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला इतना अच्छा कार्य करने का? प्रेरणा तो हम लोग का, मैं और मेरा वाइफ दोनों का एक विजन था, एक प्लानिंग था इन फ्यूचर हम लोग अल्पन बच्चे लोग, अनाथ जो बच्चे हैं उनके, उनको देखभाल करेंगे, और ओल्ड एज का भी प्लानिंग था। लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग खाली ऑर्फनेज चला रहे, इसमें सारे बच्चे ऑर्फनेज है, इनका मम्मी पापा नहीं है, तो छोटे छोटे उम्र में ये लोग आए और इनका स्कूलिंग, इनका जितने भी खान पीन हो गया, शेल्टर हो गया, सब कुछ हम सोसाइटी के थ्रू से बच्चे लोग को हेल्पिंग कर रहे हैं, और इंटायर सिलीगुड़ी का लोगों का हेल्पिंग है, सभी छोटे छोटे हेल्पिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल रहा है और आगे और करने का प्लानिंग है। सर एक्चुअली ये और क्या क्या व्यवस्था आप लोग बच्चों को यहाँ पे देते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के अलावा? पढ़ाई लिखाई के अलावा अभी आर्ट एंड क्राफ्ट का भी क्लासेस चल रहा है जी, जी, उनका एक्स्ट्रा एजुकेशन वगैरह, अवोकस क्लासेस वगैरह होता है, म्यूजिक क्लासेस होता है, इनका ट्यूशंस है, डेली का ट्यूशन, स्कूल ट्यूशंस है, उसके बाद स्कूल्स है, ये सब एक्टिविटी है, उसके साथ आउटिंग वगैरह है, हमारे चर्च के साथ में थोड़ा कोलाबरेट है, तो हम लोग चर्च में भी फंक्शन वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि अभी बच्चे लोग सब म्यूजिक बजाते हैं। दादा का नाम और अपना डेजिग्नेशन एक बार बताइए। मेरा नाम रॉबिन सिंह है, मैं ये सोसाइटी का फाउंडर भी हूँ और केयर टेकर भी हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी का मेरा वाइफ जी, धन्यवाद। और मेरा नाम रेविका सुब्बा सिंह, मेरा हस्बैंड रॉबिन सिंह है, मैं यहाँ का ऑर्फनेज का केयर टेकर भी हूँ, मैं इस घर का बच्चे का मम्मी भी हूँ, और मैं सबको देखता है, और मेरा जिम्मेवारी बहुत सारे है, बच्चे को पढ़ा लिखाना है, लोगों से सैर सुसार करना, अभी तक कर रहा है। आप अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया इसके बारे में, तो कोई बच्चा का ऐसा याद है आपके साथ जुड़ा हुआ जो आपके हृदय को बहुत ज़्यादा टच किया? नहीं, हमारे सभी बच्चे एक है, क्योंकि ये सब बच्चे कोई 8 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई जन्म का 5 दिन का बच्चे लोग आया, इनका आँख खुलने के साथ साथ हम लोगों को देखा, तो इनका मम्मी पापा हम ही लोग हैं, तो सभी बच्चे के साथ उतना ही टचिंग है जितना अपना बच्चे के साथ होता है ना। तो मैं ज़्यादा तो हम लोग थैंकफुल करना चाहती हूँ, जो आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट हमारे दीदी काकुली पॉल हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बच्चे लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू भी फ्यूचर में हम कुछ कर सकें, कुछ बन सके, इसके लिए हमारे दीदी को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार हम आइए मैम से भी जान जाएंगे। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है। स्वागत है मैम। एक बार मेरे दर्शकों को यह बताइए कि आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी सोसाइटी मतलब आप अपना वो आर्ट एंड क्राफ्ट जो ऑर्फेन बच्चों को सिखाने का जो बीड़ा उठाएं,
इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते, मेरा नाम काकुली पाल है। मैं शाइन फ्यूचर एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। 2021 में मैंने एक बार आई थी घूमने, तब मुझे ऐसा लगा कि सब घर में तो पैसों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो फिनेंशियल अगर हम सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि मैं पूरा हाउसवाइफ हूँ, तो ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चे लोगों के लिए फ्यूचर में वो लोग हमें याद रखें। तो तब मैंने रवि, तब मेरा साथ में मुझे आर के अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जो एडवोकेट भैया को मैंने सब कुछ शेयर किया कि भैया मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, और भी दूसरा ऑर्फन बच्चे को भी मैं ले रही हूँ, आई मीन दूसरा सोसाइटी का, तो दोनों का बच्चे का हम लेना चाहते हैं। तब भैया ने बोला ठीक है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है तुम लो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ ऐसा। तब मैंने वही मैं जोर जो आई है ना कि करूँगी करूँगी, तो फिर भैया को मैंने बोला भावना सोसाइटी का रविंद्र भैया को कि भैया मैं आऊँगी आपके बच्चे को एग्ज़ाम के पहले में आकर बच्चे लोगों को सिखा कर जाऊँगी, और टीचर को भी हम लेकर आएंगे ताकि उन लोग भी अपना आर्ट एंड क्राफ्ट को सीख कर, फ्यूचर में बहुत सारा फेयर होता है, इंटरनेशनल का भी बहुत सारा फेयर होता है और नेशनल का भी कंपटीशन होता है, ताकि आगे वो लोग पढ़ाई भी करें और साथ में ये भी रखें और विशारद कंप्लीट करें फिफ्थ ईयर। ये मेरा जुनून है उन लोगों के पीछे, अगर भगवान मुझे सुस्त रहे अच्छे रखे तो मैं उन लोगों को फिफ्थ ईयर कंप्लीट कराऊंगी। वही यार मैं भी चाहती हूँ मेरी तरह, मैं तो नई नहीं हूँ एक साल, तो मेरे तरह बहुत सारा एकेडमी है, वो लोग भी अगर चाहें कि उन लोगों को आर्ट सिखाए वो भी आकर आर्ट सिखा सकते हैं, कोई चाहे उनको डांस सिखाए या पियानो या कुछ भी, ताकि बच्चे लोगों को भी अच्छे रहेगा, क्योंकि उनके पास उनके साथ तो कोई नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, हम लोग भी तो उनको कुछ कर सकते हैं ना, हाँ उन लोगों के लिए भावना सोसाइटी लोग इतना कर रही है, तो हम लोग भी तो इंसानियत के नाते कुछ तो कर सकते हैं। वही हमने ठान लिया तो ठीक है, तो भैया को बोलकर आ गए और उनका क्लास का मैंने शुरुआत कर दिया। उनका एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट मंथ को, तो हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा कंप्लीट करके फिर उनको एग्ज़ाम में बैठा देंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है काकुली पाल, शाइन फ्यूचर अकेडमी का डायरेक्टर। थैंक यू।